ये बात भी सच है कि मैं स्मोकी को बहुत पसंद करता हूँ। हमारी भोली सी प्यारी सी खरहा जैसी संतु जी ना वो राक्षस के गुफा में अकेले गई हुई है। मछली जाल में तो फंस गई है पर आगे भी बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमने सोचा। मेरी बच्ची 25 घंटों से घर नहीं आई है। इस मामले में गलती किसी और ने की और फंस कोई और गया। मुखी का अपहरण हुआ है और उस लड़के ने किया है जो वहाँ पहले से मौजूद था साड़ी पहनकर। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। यस मैडम। मैडम एक्सक्यूज मी वंस मोर प्लीज। हाँ हम फिर से दोहराते हैं, हमें उस रात जो हुआ था उस पार्टी में जब सुमुखी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था वो घटना दोबारा दोहराना है। कब लाइट गई थी, कब कौन उसके पास आया, किसने उसको छेड़ा, वो सारी चीजें वापस दोहरानी है। आप समझे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब करके क्या फायदा है? मतलब पिछली बार भी हमने ऐसा ही अज्यूम किया था और मैं जूम आउट हो गया था। हम देखे थे। मनोविज्ञान बोलते हैं ऐसे, जब हमारा कोई चीज खो जाता है ना तो उसको ढूंढने का सबसे सटीक तरीका यही है कि हम वो चीजें दोबारा दोहराएं, सोचे कि हमने कहाँ रखा था, हम कहाँ थे। इससे 90% चीजें हमको वापस मिल जाती है, समझे? यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, वो पार्टी वाला घटना दोबारा दोहराएंगे ताकि ये जो अनसुलझी कड़ियां है ना ये हम जोड़ सके। हम बस यही प्रयास करें कि कैसे भी करके सच हमारे सामने आ जाए। समझ गए सबके साथ? यस मैडम। वेरी गुड। मीरा आप बनेंगी सुमुखी। ओके। आप बनेंगी आकाश शर्मा। पता था हमें, हमें विलन बनाएंगे। आप बनेंगे माता पिता। हाँ हाँ मैं पिता तुम माता। पुष्पा जी आपको यानी कि आकाश शर्मा को सुमुखी का हाथ पकड़ के उसको छेड़ देना है, ठीक है? मैडम मैं क्या बनूं? तुम वेटर बन जाओ। और पुष्पा जी सुनिए, थोड़ा डांस होने देना, उसके बाद जाके बीच में लाइट ऑफ कर कराना। हाँ ठीक है, चलो चलो डांस मारना नहीं। ओके सिर्फ मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, ठीक है? ओके चलो डांस करो, माहौल बनाओ और पार्टी चल रही है। पुष्पा जी लाइट्स। अरे हाँ। अरे लाइट चली गई। लाइट चला। हे पत्नी कहाँ हो तुम? मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे लाइट ऑन कीजिए, लाइट ऑन कीजिए। मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा। हम्म। हम तो उन तक पहुंचे भी नहीं है मैडम। मुझे लगा कि मेरी पत्नी साथ में है, मतलब चीता साथ में है, इसलिए वो समझ के हाथ पकड़। ओहो हो हो, कितना ज्यादा भोला भंडारी है तुम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस रात सुमुखी के साथ दुर्व्यवहार किसी और ने किया हो और फंस कोई और गया हो। संतु तुम हमें उस पार्टी का सीसीटीवी फुटेज दोबारा दिखाओ। इतना अंधेरा है, क्या खाक पता चलेगा इसमें से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। नहीं मैडम हमारे पास लॉबी वाली फुटेज भी तो है। तो वो कब दिखाओगी? जब आप बोलोगे। ओह ये मासूमियत अचानक से। अभी दिखाओ संत। हाँ एक मिनट, ये कौन है? ये कौन भागा? ये लड़का कौन भागा? मुझे नहीं पता। चुप रहो। ये 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 इस लड़के के बारे में पता लगाना होगा, ऐसे कैसे भागा ये? इसका मतलब ही है मैडम कि अकस्मा तो सच में बेकसूर है। नहीं चीते, जब तक असली गुनेगार साबित नहीं हो जाता तब तक कानून की नजरों में सब गुनेगार ही रहेंगे। आकाश शर्मा अभी भी शक के दायरे में है। मीरा और संतु जैसे डिसाइड हुआ था कल आप जाएंगे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स बनके, और पुष्पा जी कल आप हमारे साथ आएंगे। जी हम भी देखते हैं ये छोटा पॉकेट शाहरुख खान का चीज है। अरे इधर भी देख लो, आइए। हेलो सर, न्यू स्टूडेंट, आई एम सुनिधि एंड आई एम श्रेया। वेरी गुड, आप बैठो बैठो बैठो। मेरा मैडम इनकी एक्टिविटी पे ध्यान देना। ओके। क्या कर रही
ढंग से करो, ढंग से नहीं पिटाई कर दूंगा, समझे? मिस सुनिधि सर। सुनिधि, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है? वो मैं इसलिए पूछ रहा था, बोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अरे तुमने तो कुछ लिखा भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आप कम ऑन, डरो मत, घबराओ मत, आ जा आ जा, जा, जा। बस कम ऑन। ये लो करो, सॉल्व करो। अरे मैं बताऊंगा, समझो। हाँ करो करो। संतु जी को परेशान किया, तुम छोड़ेंगे नहीं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको हाँ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तुमको छोड़ेंगे, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़, छोड़ेंगे नहीं। ये क्या रे, चीते सपने में मुझे मार रहा है। ये वर्दी नहीं होती ना तो तुझे दिखा देता मैं। काम बता देता, काम बता। जानते है कितना बुरा सपना आया हमको? हमारी भोली सी प्यारी सी खरहा जैसी संतु जी ना वो राक्षस के गुफा में अकेले गई हुई है। कितना टेंशन हमारे कपार पर, तुम यहाँ पर नाच रहा है तकला दानव कहीं का, कुछ कर भी लौटे। Hey, Chite, my Mira ji with your Santosh ji. Don't take tension, relax, chill, chill more. Sir, can I solve this problem? हाँ, क्यों नहीं? करो करो। सुपर। आज का क्लास खत्म होता है, आप लोग जाइए। सुपर, बहुत ब्रिलियंट, मान गए। मैं क्या बोलता हूँ सुनिधि, यू नीड एक्स्ट्रा क्लास। आप ना मेरे केबिन में आके उससे मिलो, ठीक है? यस सर। कम ये तो वही लड़का राहुल है ना जो सीसीटीवी फुटेज में लाइट्स ऑफ होने के बाद भागता हुआ दिखाई दिया था। ये राहुल की जानकारी जो चीते ने भेजी उससे यही प्रतीत हो रहा है कि ये सारे फसाद का जड़ है ना। कैरेक्टर इसका ढीला है थोड़ा, समझ नहीं है? जहाँ लड़की देखता है वहाँ फिसल जाता है ये, हर लड़की को पटाने का कोशिश कर रहा है। तो इंसान लगाइए। हाँ लगाइए ना। पक्का? पक्का मतलब क्या, लगाना ही पड़ेगा ना। क्या दिमाग बरा गया है क्या आपका? चीते ने फोन नंबर दिया, वो फोन नंबर लगाइए। हाँ हाँ हेलो हेलो, आप राहुल बोल रहे हैं? हाँ राहुल बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं पल्लवी बोल रही हूँ, हमारी कॉमन फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया था। आप वही ज्वेलरी क्लीनिंग का काम करते हैं ना? जी करता हूँ। जी बस मुझे उसी सिलसिले में आपसे मिलना था। आप कब मिल सकते हैं हम? जब आप कहें, मैं आधे घंटे में शॉप पर पहुँच जाऊँगा, वहीं मिल लीजिए। तो इस वक्त आप कहाँ हैं? शाहजहाँ मार्ग बल्ली रोड पर। क्या शाहजहाँ मार्ग बल्ली रोड पर? क्या इत्तेफाक है ना। मैं भी बस इधर ही हूँ आसपास, मैं आपसे मिलने आ जाऊँ? हाँ तो यही मिल लीजिए। हाँ हाँ बस मैं आपके पास पहुँचती हूँगी। वैसे मैंने 31st को भी बहुत ट्राई किया था आपको फोन करने का, पर आपका फोन लगा नहीं। हाँ 31 की रात को न्यू ईयर पार्टी थी ना, एक पार्टी में था। वैसे उस रात का नाम मतलब घबराहट होती है, जैसे तैसे बच गया। क्यों कुछ हुआ था ऐसा कुछ? अरे ये सब छोड़िए, आप बताइए आप पार्टी वार्टी करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ हम भी पार्टी करते हैं, क्यों नहीं, बहुत पार्टी करते हैं। तो चलिए हमारे साथ पार्टी करने। हाँ हाँ बिल्कुल पार्टी करेंगे आपके साथ। कब करनी है पार्टी बताइए। अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है, वेज या नॉन वेज? खाने में सब खाते हैं ना, हम लखनवी है, सब कुछ खाएंगे। चलिए हमारे साथ खाने पे, सबसे बेस्ट जगह लेके जाएंगे आपको। क्या खिलाओगे? तुम्ही हो ना जिसने उस रात बदतमीजी की थी उस लड़की के साथ, तुम्ही ने अंधेरे का फायदा उठाया था ना, तुम्ही ने बदतमीजी किया था। अरे
भाई तो कुछ मुझे जल्दी आई। हाँ हाँ बैठो। हेलो। हाँ मीरा मैडम, मीरा मैडम कैसी हैं आप? हमारी संतू जी कैसी हैं? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना मैडम? देहरादून वाली मौसी से बात कर रहे हैं क्या? सब कुशल मंगल ऐसे बात करते? इधर लाओ मीरा जी, बिलो द स्पाइक हियर। आप कैसी हैं? संतोष जी कैसी हैं? हाँ। मैं ठीक हूँ। और कांस्टेबल संतोष शर्मा टीचर आकाश शर्मा के कैबिन में गए हैं अकेले, उनसे मिलने के लिए। का? अकेली? यस, आकाश शर्मा ने उन्हें अकेले ही बुलाया था। मीरा मैडम, क्या कर दिया? अनर्थ कर दी? नन्ही सी जान, प्यारी सी खड़हा जैसी जान हमारी संतू जी को राक्षस के केबिन में अकेला भेज दिया। मैडम बचाइए उनको, प्लीज बचाइए मैडम, कुछ भी करके हमारी संतू जी को बचाइए। मीरा जी, मीरा जी क्या हुआ आपको? संतु जी है वो, संतु जी का आवाज है वो। ओके तो ठीक है, काटी करे, काटी नहीं, करे, नहीं, 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 मेरी मीरा जी है वहाँ, संतु जी को बचा लेगी। बचाओ मीरा मैडम। यू आर अंडर अरेस्ट, आपको मॉलेस्टेशन के चार्जेस में अरेस्ट किया जाता है। और सुमुकी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, और ये बात भी सच है कि मैं सुमुकी को बहुत पसंद करता हूँ, और पार्टी वाली रात उसे प्रपोज करने वाला था। लेकिन आप ही बताइए, जिसे मैं प्रपोज करने वाला हूँ उसके साथ मिसबिहेव कर सकता हूँ क्या? पूरा बात बताओ हमको अच्छे से। मैम मैं गया था उसको प्रपोज करने, लेकिन वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी? किसी से झगड़ रही थी। कह रही थी अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बहुत पछताओगे तुम। सुमुखी ऐसा बोल रही थी? हाँ मैडम, मैं तो बहुत डर गया था, इसलिए मैंने उसे प्रपोज नहीं किया और उल्टे पैर भाग गया, और फिर लाइट चली गई और ये सब हो गया। चीता? हाँ चीते बोल। आकाश शर्मा पकड़ा गया पुष्पा जी। कहाँ? बेटा तुम भगवान का शुक्र मनाओ कि हम लोग यहाँ पर थाना में हैं, हम वर्दी में हैं और हम यहाँ पर ड्यूटी पर हैं। तो माँ कसम तुम्हारा वो हाल करते ना बाबू, एकदम गन्ना की तरह मशीन में डालकर सारा रस निकाल कर तुम्हारा झाड़ू नहीं बना देते ना। तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं। Now my turn. दुआ करना तुम पर चार शीट बने, लेकिन मेरे साथ मेरे बिल्लू निवास में ना रखा जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बेइज्जत बरी कर दिए जाओगे सीधा ऊपर। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया इस संतू जी के साथ, बेचारी बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही है, एकदम चुप्पी साधे बैठी हुई है। तो संतू जी के साथ ऐसा किया तो हमको इस बात का बहुत ज्यादा टेंशन है कि बेचारी सुमुखी के साथ क्या किया होगा ये राक्षस इंसान। संतू जी, संतू जी कुछ बोलिए ना, आप कहे नहीं बोल रही है। संतू जी बोलिए ना, क्या किया है निशाचर आदमी? अब इस घटिया आदमी का फैसला कोर्ट करेगा और इसे हवालात में डालेगी हमारी संतू। संतू के साथ तुमने घटिया और जलील हरकत किया, तुमको शर्म नहीं आया? डालो संतू इसको जेल, डालो। संतू सोच कर रही हो? देखो कानून अपना काम करेगा, मगर इसे इसे जेल में ना तुम डालोगी। उठाओ इसे, डालो जेल में। संतू जी, संतू जी, इससे पहले कि हमारा संयम हमारा साथ छोड़ दे, हम भूल जाए कि हम पुलिस वाला है, इस आदमी का कचुम्बर बना दे, आपसे ना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं संतू जी, इसको ना जेल में डाल दीजिए। पुष्पा जी, क्या हुआ संतू? क्या छुपा रही हो तुम? हमारी तरफ देखो, बताओ हमको क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या किया इसने बताओ हमको संतू? बोलिए संतू जी, बोलिए। बोलो। झूठ बोल रहे हैं मैडम ये, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
स्मोकी ने इनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया है, झूठा इल्जाम लगाया है। बैठो। मैं जानता हूं तुम स्टूडेंट नहीं हो, पुलिस वाली हो। टीचर हूं, स्टूडेंट को पहचान लेता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम सुमुखी वाले मामले की जांच करने आई हो और इस सो कॉल्ड राक्षस की सच्चाई जानने आई हो। सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूं। उस रात घटना से ठीक पहले मेरा एक अर्जेंट कॉल आया और मैं कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गया। जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के वक्त लाइट ऑफ हुई मैं बाहर ही था, और जब मैं वापस आया तो सुमुखी के साथ घटना घट चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया। किया क्या? मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। वो मेरी स्टूडेंट, मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके साथ ऐसी नीच और घटिया हरकत कैसे कर सकता? मैं निर्दोष हूं और यही सच है। और हाँ, उस दिन एक और वाकया हुआ। जब मैं अपनी कॉल अटेंड कर आ रहा था तो अचानक मेरे पास कोई भागा, मुझे धक्का भी लगा, लेकिन उस रात माहौल ही कुछ ऐसा था कि उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना और बाहर जाकर सबको यही कहना कि मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं बहुत ही घटिया जलील किस्म का इंसान हूं, बिल्कुल वैसे जैसे सुमुखी मुझे बता रही थी। लेकिन क्यों? प्लीज पहले आप मेरी बात सुनिए। उस रात सुमुखी ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी, और उसने उस धमकी पर खरा उतर कर दिखाया, मुझ पर इल्जाम लगाया। सुमुखी भी बच्ची नादान है, उसके आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर लोगों को पता चला कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है तो उसकी ये बदनामी जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपसे नाटक करने के लिए कह रहा हूं बेटा। मैं एक टीचर हूं, टीचर का फर्ज होता है अपने बच्चों का भविष्य बनाना, ना कि बिगाड़ना। मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने चाहिए। तुमने क्या किया बेटी? मैंने कहा था ये बात सामने नहीं आनी चाहिए, फिर क्यों? क्योंकि सर हमारी सोसाइटी को सुमुखी जैसी लड़की की कितनी जरूरत है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि आप जैसे आइडियल टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अपने स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए अपना पूरा करियर सैक्रिफाइस करने को तैयार है। गजब हो गया आज तो, मतलब कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था हमसे आज। कितना बड़ा पाप हो जाता अगर आप जैसे एक नेक इंसान के साथ अगर गलत हो जाता तो। संतु, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस गलती से बचाने के लिए। माफ कीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम भी इंसान हैं, बवंडर हो गया, हमसे शर्मिंदा है बहुत ज्यादा। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने तो बस अपना काम किया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। पर मैं ये कह रहा था, जब सच्चाई आप जान ही गई हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, उस बच्ची को कुछ मत कहिएगा, उसे माफ कर दीजिएगा, अभी नादान है वो। जी हम समझते हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। संतु जीते, मास्टर जी को उनके घर पर छोड़कर आइए पूरे सम्मान के साथ। जी मैडम। आइए सर। सर आइए। आई एम ऑल्सो सॉरी सर। आइए सर, आइए। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लड़की हूँ ना, तो लड़की पर बात आई तो थोड़ी सी बायस हो गई मैं। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि सुमुखी जैसी लड़कियाँ भी है जो लड़की होने का फायदा उठाती हैं। प्लीज ऐसी बात मत कीजिए, अब जो होना था सो हो गया। अब हमें ये देखना है कि सुमुखी को कैसे सही राह दिखाई जाए। आप लोगों ने घर छोड़ा, इसके लिए धन्यवाद, चलता हूँ। कहे थे ना हम संतु जी, कहे थे ना बिलोटे, 10 बार कहे थे ना हम, किसी भी इंसान के चरित्र का ऐसे अनुमान उसके पहनावे उसके रख रखाव से नहीं लगाना चाहिए। कोई भी इंसान अच्छा है कि बुरा है ये उसको देखने से हम लोग कैसे जज कर सकते हैं?
है, ये तो उसका अपना इंसानियत होता है ना, ये तो उसका अपना अच्छाई बुराई होता है। ये बात हम सबको बोले थे लेकिन संतु जी भी नहीं मानी हमारा बात। हाँ हो गई मुझसे गलती, माफ कर दो। ठीक है किए। स्माइल करके बोल। ठीक है संतु जी कर दिए। प्यार से हो गया हो गया। मुझे भी आजकल ना थाने से ज्यादा दूर रहा नहीं जाता, थाने की याद सताती रहती है, मुझे आती रहती है। ए, चलो चलो उस सुमुखी को भी सबक सिखाना है। उसके लिए करिश्मा मैडम है ना, ऐसा सबक सिखाएगी उस सुमुखी की बच्ची को कि याद रखेगी जिंदगी भर। चलिए चलिए सब, चल भी लौटे, चल चल। ये लीजिए एक और चाय पीजिए, शायरी से आपके दिमाग की खिड़की खुले। हाँ मगर जो कुछ भी करेंगी ना बिना अपना रेजोल्यूशन तोड़े। एक तो पहले आपके शब्द बोलना सीखिए, नहीं बोला चाहता तो मत बोला कीजिए ना। एक ही शब्द के ना 4000 शब्द बोल चुकी हैं आप दो ही दिन में, समझ गए आप हमारी बात को? और इतना ही हमारे सोचने में शक्ति होती तो क्या हम मैडम सर ना बन जाते? हमारे दिमाग में सिर्फ तोड़ने फोड़ने के आइडिया आ रहे हैं और हमें किसी को नहीं तोड़ना है, अभी किसी को भी नहीं तोड़ना है। हमें ऐसे टाइम के लिए मैडम सर ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ा तुम्हारे साथ? हाँ है, छोड़ कर गई हैं। हाई मैया की तो कब फटोगी? मैं कोई पटाखा नहीं हूँ जो फटूंगी। बको बको क्या रिकॉर्डिंग है बको? जब भी कोई फैसला लेना हो तो गुस्से में नहीं लेना चाहिए, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। बिल्कुल सही, बस इतना ही है? नहीं मतलब और होगा ना आगे? हाँ हाँ तो बोलो। जब भी कोई कदम उठाना हो तो सोच समझ के उठाना चाहिए, जज्बातों के साथ। आगे 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 और तजुर्बा कहता है हमारा कि जिस तरह एक बार धोखा देने वाला दोबारा धोखा जरूर देता है, उसी तरह एक बार चोरी करने वाला भी दोबारा चोरी जरूर करता है। सब अपनी फितरत से मजबूर होते हैं, इसलिए अगर सच को बाहर लाना है तो झूठ को दोबारा मौका देना होगा। कैसे निर्दोष साबित करें हम शर्मा जी को? सुमुखी और उसकी माँ का पर्दाफाश करना ही होगा हमें, पर कैसे? उठाइए मैडम सर उठाइए, हमारा टेलीपैथ इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि हम यहाँ सोचे और वहाँ बात हो जाए। उठाइए उठाइए उठाइए, बहुत इमरजेंसी है, हमें केस में आपका मदद चाहिए, मैडम सर उठाइए। हेलो हेलो, हमारा टेलीपैथी स्ट्रांग है मैडम सर क्या? नहीं 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 कुछ नहीं, अब जय हिंद मैडम सर, वो बस हम खुद से ऐसी बड़बड़ा रहे थे। करिश्मा सिंह खुद से ही बड़बड़ाना था तो हमें क्यों फोन किया, खुद ही को फोन कर लेती। सॉरी बहुत ही गंदा जोक था। बहरहाल बताइए हमें कैसे याद किया? मैडम सर वो केस के संदर्भ में आपका मार्गदर्शन चाहिए हमको, इसलिए हमने आपको कॉल किया था। वैसे हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपने जो आवाज वाला संदेश मीरा के माध्यम से हमारे लिए छोड़ा है वो काफी हमारे काम आया, लेकिन अभी बहुत उलझ गए हैं मैडम सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें ना। मतलब अगर आप हमारी जगह होती तो आप क्या करती, हम ये जानना चाह रहे हैं। आप शर्मा जी वाले केस के बारे में बात कर रही हैं? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मीरा की प्रोग्रामिंग में फीडेड है कि अगर थाना इंचार्ज ना हो तो हर चीज की उसे रिपोर्ट दी जाए, इसलिए हम सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसा बात है मैडम सर तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि हम जो है बदल गए हैं, मतलब हम आपके तरीके से केस सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना भी ट्राई कर ले मैडम सर एक दिन में हम हसीना मलिक तो नहीं बन जाएंगे ना, इसलिए जो है हम सोच रहे हैं कि आप अगर हमें थोड़ा हेल्प कर दे और बता दे कि अगर आप हमारी जगह होती तो आप कैसे काम लेती, क्या सोचती क्या करती, प्लीज हमें बता दीजिए मैडम सर। करिश्मा सिंह केस तो सुलझ ही जाएगा, फिलहाल हमें इस बात की खुशी है कि आप बहुत सुलझ गए हैं, लेकिन आपने केस के बारे में बात करने के लिए फोन किया है तो उसी के बारे में बात करते हैं। एक काम कीजिए, हमारे डेस्क पर राइट साइड में एक ड्रॉर है उसे खोलिए, उसके अंदर एक ब्लू कलर की फाइल है वो निकालिए। हाँ जी 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 हाँ मैडम सर फाइल है। आप ड्रॉर बंद करना भूल गई, पहले उसे बंद कीजिए। आपको कैसे पता चला मैडम सर हमने ड्रॉर बंद नहीं किया? हम सब कुछ जानते हैं, बंद तो कीजिए। हाँ 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 जी हमने बंद कर दिया ड्रॉर। अब इस ब्लू फाइल को वापस ड्रॉर में रख दीजिए। ना मैडम सर जब फाइल ड्रॉर में ही रखना था तो आपने निकलवाया का है? करिश्मा सिंह आपको केस का सोल्यूशन चाहिए या नहीं? जी जी मैडम सर चाहिए। तो जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, ब्लू फाइल को वापस ड्रॉर में रखिए।
ड्रॉअर में रख दी मैडम सर। आप फिर से कुछ भूल रही हैं? कहाँ मैडम सर? कुछ समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आ रहा है मैडम सर। आप शायद हमें ये बताना चाह रही हैं कि इंसान अगर गलती करता है और उसकी गलती नहीं सुधारा गया तो वो गलती बार बार करने का उसको हिम्मत बन जाता है। हमने कहा था ना कि इस केस को सॉल्व करने के लिए आप पूरी तरीके से सक्षम हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि... नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो कह रही हैं आप कह रही हैं। हम बस इस सोल्यूशन का दरवाजा खोल के दे रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन आपका है, ठीक है? और अब आप हमें बताएंगी कि आप क्या करने वाली हैं, आपने क्या सोचा है। हमें ऐसे हालात बनाने होंगे मैडम सर कि वो माँ बेटी जो है गलती दोबारा से करे। बहुत बढ़िया, अब आप यकीनन इस केस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, हम फोन रखते हैं। और हाँ, एक चीज, प्लीज किसी को बताइएगा मत कि इस केस को सॉल्व करने में आपने हमारी मदद ली है, ओके? काहे मैडम सर, काहे ना कहे, आपने हमारा मदद किया है। करिश्मा सिंह, कभी कभी जरूरत से ज्यादा ईमानदारी भी अच्छी नहीं होती। हमारी काबिलियत किसी और की परछाई में दबकर रह जाती है और हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो, ठीक है? दैट्स एन ऑर्डर, हम फोन रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें बहुत सारा काम। ओके, जय हिंद। ये हुआ ना बात, अब मिल गया हमें दिशा। बस करिश्मा सिंह, तुम्हें कुछ अच्छा तगड़ा प्लान सोचना है। बहुत दिनों से पुष्पा जी का जो है वो ओवर एक्टिंग का सुनामी बाहर नहीं आया है। अब वक्त आ गया पुष्पा जी आपके ओवर एक्टिंग का सुनामी बाहर आने का। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, हम गिरफ्तार तो शर्मा जी को तब करें ना जब सबूत हो हमारे पास। जब सबूत ही नहीं है तो कैसे गिरफ्तार करें? उन्हें छोड़ना पड़ा हमें। थोड़ा मैडम देखिए, कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। अरे खूब जानती हूँ आप लोगों के हिसाब, जहाँ देखी तवा पर रात वहीं गुजारी रात। जिसने जितने पैसे दिए ना उसकी उतनी जय जय का। बताइए कितने पैसे खाए हैं आपने उस शर्मा से, जो उसे गिरफ्तार करने से इतना डर रहे हैं आप? मैं पैसे नहीं खाती, मैं बिजली खाती हूँ। अच्छा, तो रिश्वत का नया नाम दिया है आपने, बिजली। देखिए मैं आप लोगों की ये धांधलियां चलने नहीं दूंगी। हाँ, आप लोग किसी चक्कर में मत रहना, आज ही मैं थाने में अपनी जान दे दूंगी। अगर मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो आप ही लोग जिम्मेदार होंगे इस बात के। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हम करेंगे मदद, बताइए क्या हुआ? अरे ऐसे कैसे होगा, पहले हम लोग आए यहाँ पर तो हमारा केस पहले निपटेगा। हाँ हाँ मैडम, लेकिन आपकी FIR रजिस्टर कर ली है ना, इन्वेस्टिगेशन चलेगा अभी, आप थोड़ा तो वक्त दीजिए इनका। देखिए इनकी भी कोई इमरजेंसी होगी ना, आप एक काम कीजिए, 2 मिनट बैठिए आप यहाँ, ठीक है? आप बताइए। आंटी जी, आप 2 मिनट दे देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी, अगर आप 2 मिनट नहीं देंगे तो मैं सड़क पर आ सकती हूँ, प्लीज मेरी मजबूरी को समझो प्लीज। ठीक है, सिर्फ 2 ही मिनट है तुम्हारे पास, मैडम जी आप जल्दी करो। ठीक है आप, मैडम मैं बैठ जाऊँ, बैठ के रिपोर्ट लिखूँ? श्योर, बैठिए। बताइए मैडम क्या प्रॉब्लम है? जी मुझे FIR लिखवानी है। किसके खिलाफ? मेरे मकान मालिक के खिलाफ। वो क्या है ना कि कुछ दिनों से ना काम ठीक से नहीं चल रहा है। मेरी गलती है कि मैं 3-4 महीने से ना भाड़ा नहीं दे पाई हूँ। वो भाड़ा नहीं दिया तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, मुझसे बदतमीजी करता है, मुझे कभी भी छेड़ता है, मुझे ना बहुत डर लगता है, मुझे बस उसके खिलाफ FIR लिखवानी है। आप उसको उसका सबक सिखाओ, आप उसको पकड़िए प्लीज, जितनी जल्दी हो सकता है। घबराइए मत आप अपने मकान मालिक का नंबर और एड्रेस दे दीजिए हमें, हम जाएंगे उनके पास, बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे। समझाएंगे? तब तक तो वो मेरे सर पे सवार हो जाएगा मैडम, पता नहीं क्या करेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप अभी सबक सिखा दीजिए ना उसको, प्लीज अभी कुछ कर दीजिए ना आप मैडम। देखिए ऐसा नहीं होता है, हर चीज का एक कायदा होता है, कानून होता है, प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं होता है कि कोई आया, किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और हम जाके उस इंसान पे चढ़ गए। नहीं, सबसे पहले तफ्तीश होती है, जांच होती है, पड़ताल होती है, उसके बाद ही पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और किसके खिलाफ करना है। इतना 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 सारा, तब तक तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा मैडम। छोड़िए, आपसे नहीं हो पाएगा, मैं ही कुछ करती हूँ। अरे लेकिन हमारा केस, अरे मैडम चले गए। हेलो हेलो लाली माँ जी, मैं छतरपुर वाली बिमला मासी की बहन बोल रही हूँ जी। मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ, मैंने ना दो चार महीने से किराया नहीं दिया था तो मकान मालिक जो है मेरे पीछे पड़ गया है,
और बदतमीजी करने पे उतर आया मेरे साथ, मुझे बहुत डरा के रखा हुआ, मुझे बहुत डर लगता है उससे। आप मेरी मदद कर दीजिए ना, आप तो हर मुश्किल का हल निकाल देती है ना। क्या हो जाएगा? आज ही हो जाएगा? धन्यवाद, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी जी। प्रणाम प्रणाम लालिमा, प्रणाम लालिमा। सुनिए बहन, किससे फोन पर बात कर रही थी आप? लालिमा। किसकी माँ? लालिमा, लालिमा से मामलों में ना एक्सपर्ट है लालिमा। कैसे मामले? ये लड़कों के मामलों में, इनको सबक सिखाना होता है, इनको झूठ बोल के इनको अपने फांसे में लेना, इन मामलों में बहुत तेज है लालिमा, और हर बार जीतती है। हाँ, थोड़ी सी कमीशन लेती है लेकिन बिल्कुल गारंटी देती है। अच्छा बहन, हमें भी उसका नंबर दे दो, हमें भी मिलवा दो, उससे बहुत मेहरबानी होगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, नंबर क्यों, मैं आपको एड्रेस ही दे देती हूँ ना, आप सीधा एड्रेस पे चली जाइए। लिख, अब लिख, लिख, हाँ, लिख, लिख, जल्दी लिख। जी आप ही जाइए। धन्यवाद। अरे एक मिनट आइए ना, आइए आप। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। हो गया मैडम? हो गया, प्लान सक्सेसफुल, बधाई हो। मछली जाल में तो फंस गई है, पर आगे भी बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमने सोचा। पुष्पा जी संभाल ले बस। लालिमा हमका बचाई लो, ये हमको यहाँ टच किया। इतना भयंकर अभिनय नहीं चाहिए, एकदम सहज अभिनय चाहिए, एकदम अबला दुखियारी मरद की मारी, ऐसा नारी करना है आपको। दो बूंदा से टप खाइए। ए बाबू, करके सिखाओ उनको, सिखाओ उनको। जा पीछे आ जाओ। जीते रहो, जीते रहो, पहले गिर जाना है। बचाई लो, हमको इंसाफ दिलाई लो, एक आदमी ने हमको छुआ है, हमको छेड़ा है, हमको यहाँ छुआ, सब जगह मुझे टच किया है। अब हम समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं लालिमा, हमको न्याय चाहिए, हम पर अत्याचार हुआ है। ऐसा ऐसा करना है तुमको? हाँ, शाबाश। तो समझ गई ना आप सब लोग कि करना क्या है? बिल्कुल ऐसे ही करना है। तुम और तुम नहीं आई हो हमारे दरबार में, यहाँ आओ। हाँ वही, अब बताओ क्या समस्या है बड़ी बहन? हमें ना आपकी एक भक्त ने यहाँ भेजा है माँ। दीदी, मित्र, मित्र, मित्र। अरे रे, बार बार करिश्मा मैडम इनको कहीं एक्टिंग करने के लिए भेज देती है, इनके बारे में जानते हुए भी। उनकी सास है ना, नेपोटिज्म। पूरे उत्तर प्रदेश में इन दोनों के अलावा हमें कोई माँ नहीं कहता। जी दीदी, दीदी हमें ना आपकी मदद चाहिए थी। जरूर मदद करें, बताओ समस्या क्या है बहन? वो मेरे एक टीचर है, मुझे बहुत परेशान कर रहे थे वो, तो मैंने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करा दी। अरे ये क्या है? मम्मा! सुमुखी तू रो क्यों रही है ऐसे? हाँ शर्मा से अंधेरे का फायदा उठा के उन्होंने मुझे किस किया। तो चाहती क्या हो बहन? आप बस हमें उस टीचर से 2 लाख रुपए दिलवा दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आपका जो बनता है वो तो सर आंखों पर हमारे। माँ, पुलिस का तड़का पहले ही खिचड़ी में लग गया है, अब हम कैसे करेंगे? माँ, मेरा ये विनम्र निवेदन है आपसे, आप इस मामला में हस्तक्षेप ना ही करें तो बेहतर है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए, आप ही हमारी मदद कर सकती है, आप करेंगी ना? एक बात बताओ, ये जो कुछ भी कहा ये सब सच में हुआ था या ये लड़की झूठ बोल रही है? टीचर को झूठे इल्जाम में फंसाए हैं। हाँ झूठे इल्जाम में फंसाए। अरे तो ये कोई ना बात, बस पुष्पा जी किसी तरह ये मोर्चा संभाल लीजिए, फिर बाजी अपना।
करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। केस सॉल्व होने की खुशी में फोन किया है? क्या बात है मैडम सर, वहाँ बैठे बैठे भी आप सब पता लगा लेते कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया मैडम सर कि कैसे हमारे जाल में ना हमने उमा बेटी को फंसा लिया है, अब ना वो मुकर नहीं पाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि ये करने से आप उनके खिलाफ एयर टाइट केस बना पाएंगे? अगर उन्होंने कोर्ट में कह दिया कि पुलिस ने जबरदस्ती ट्रैप लगाकर हमसे कन्फेशन निकलवाया है तो फिर लगाएंगे उनको एक कंटाप और पचा देंगे हिल्टन। नहीं मुकर सकती मैडम सर। करिश्मा सिंह, आपने कहा था कि आप केस हमारे तरीके से सॉल्व करना चाहती हैं, क्या लगता है आपको, हम वहाँ होते हैं तो हम यही करते, कंटाप लगाते? मैडम सर, जिस दिन आप कंटाप लगा देंगे ना उस दिन हम घी के दिए जलाएंगे, आपको बता रहे हैं। कितना मजा आएगा जब आप कान के नीचे बजा के केस सॉल्व करेंगे। जैसे आप हमें कैसे जज्बात का ताकत सिखाना चाहती है ना, हम आपको कंटाप का ताप सिखाना चाहते हैं मैडम सर। अगर आप कंटाप लगाना सीख जाएंगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है चलिए हम फोन रखते हैं। अरे नहीं नहीं मैडम सर, वो गुस्ताखी माफ सॉरी, वो हम बस ना उस माँ बेटी को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं ताकि वो जो है ना तो कुछ मुकर ना पाए, इसलिए हमें जो सूझा वो हमने कह दिया, सॉरी। बाकी अब हमें समझ में आ गया है कि इतना काफी नहीं है उनके खिलाफ कुछ साबित करने के लिए, इसलिए अब जो होगा ना वो पूरा तैयारी के साथ होगा। मैडम सर अब ना हम इस केस का पुलंदा बांधने के बाद ही आपको कॉल करेंगे, उनके ये केस रफा दफा होने की गुड न्यूज के साथ आपको कॉल करेंगे हम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। रुको, एक फरियादी को हमें फोन करना है। हेलो करिश्मा जी, काम हो गया, सुमुखिया और उसकी माँ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बहुत बढ़िया, अब आगे का प्लानिंग सुनिए पुष्पा जी। अरे मगर इस सब की क्या जरूरत है, अब तो गुनाह कबूल कर लिया ना। जितना कहा जा रहा ना पुष्पा जी उतना कीजिए। जय हिंद। हाँ कभी हमारी कोई बात मानती हैं आप? जय हिंद। अब सुनो हमारी बात, जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करो। 2 लाख क्या, पूरे 5 लाख निकलवा के देंगे तुमको। जी हाँ दीदी, बताइए क्या करना है, हम वही करेंगे। आज रात तुम अपने टीचर के कोचिंग क्लासेस जाओगी, उनसे माफी मांगने का नाटक करोगी। जैसे ही तुम दोनों अकेले होंगे वहाँ की लाइट फिर से चली जाएगी, तुम चिल्लाना शुरू कर दो बचाओ बचाओ बचाओ। हमारी महिला टोली बाहर पहले से तैनात रहेगी, जैसे ही तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनेगी पूरी टीम अंदर आ जाएगी और उस टीचर को पकड़ लेगी। बस तो फिर क्या, इज्जत बचाने के लिए आदमी क्या नहीं करता, ये भी करेगा। ठीक है दीदी, अब हम चलते हैं। जीते रहो जीते रहो। लेकिन एक चीज बढ़िया हो गया पुष्पा जी। एक मिनट, ये देखिए ये कैमरा में ना सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, सब कुछ जितना कुछ बोली ना सब कुछ इसके अंदर कैद हो गया है। बहुत बढ़िया। जय मैडम। हाँ काम हो गया है, आज रात सुमुखी और उसकी माँ दोनों की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। पार्टी लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन की तो इस मैडम के बारे में पता चला है, निशा नाम है इनका, और पार्टी वाले दिन रात को जानबूझकर लाइट इन्होंने ही बंद की थी। माँ तुम्हारी तो काहे किया तुमने ऐसा बे? हाँ मैम, सुमुखी के कहने पर उसने हमें मजबूर किया था, हमें ब्लैकमेल किया कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी सारी फोटोज हमारे घर वालों को दिखा देगी। कौन सा फोटोज घर वालों को दिखा देगी? मैं सोमुखी और हमारे दोस्त अक्सर कॉलेज बंक करके इधर उधर घूमने निकल जाते थे और इस बात की भनक हमारे घर वालों को नहीं थी, और उस न्यू ईयर पार्टी की रात सोमुखी ने हमें एक फिक्स टाइम पर लाइट ऑफ करने को कहा। हमने जब मना किया तो उसने हमें धमकी दी कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो सारी फोटोज हमारे घर वालों को दिखा देगी। कितनी शातिर निकली ये लड़की, जितना हमने सोचा था उससे कहीं आगे है ये। हाँ सुनो, तुमको सुमुखी का ना फिर से कॉल आए, वो तुम्हें फिर से बोलेगी कि लाइट बंद करनी है। हाँ हम मना कर देंगे। नहीं
तुम लाइट बंद करोगी। क्या करोगी? लाइट ऑफ करना है। हाँ, लाइट बंद करोगी। बहुत बढ़िया। सोमुखी का कॉल है। उठा, 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 उठा। हाँ सोमुखी बोल। हाँ हम सुन रहे हैं। फिर से? हाँ ठीक है, ओके बाय। क्या बोली? आपने सही कहा था मैम, उसने फिर से हमें एक दूसरी जगह लाइट ऑफ करने को कहा है। देखिए आप लोग ठीक से समझ गए ना कि आप लोगों को क्या करना है? हाँ हाँ समझ गए। हाँ हाँ समझ गए, समझ गए। समझदार लोग हैं, देखो शक्ल से लग रहे समझदार है कि नहीं बहन? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लेकिन फिर भी याद दिलाना तो हमारा काम है ना। देखिए आप लोग वहाँ पर जाएंगे और अंदर आते ही वो आपसे माफी मांगना शुरू कर देंगे। वापस वो पूरा रिपीट होगा सर। लाइट जाएगी अंधेरे का फायदा उठाने के लिए सुमुखी जो है आप पर छेड़छाड़ का घटिया इल्जाम लगाएगी। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि इस बार हम सब है आपके पास। ठीक है, इस बार अंधेरे में आप खड़े नहीं होंगे, इस बार अंधेरे में हमारी मीरा मैडम खड़ी होंगी। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चलिए मानी, चलिए चलिए। शर्मा जी, शर्मा जी हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। हमने इतनी घटिया इल्जाम लगाया आप जैसे देवता स्वरूप इंसान पर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, माफ किया। अरे तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है, पैर पकड़, सर से माफी मांग। हाँ सर, I'm really very sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आप जैसे इतने अच्छे इंसान पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। हाँ हाँ भाई ठीक है, माफ किया। दिल से माफ कर दिया? अरे भाई दिल से माफ किया। अरे सुमुखी कहाँ गई? हाँ अरे मेरी बच्ची कहाँ गई, यहाँ ही तो खड़ी थी। हाँ हाँ मैडम सुनिए, हो गई आपकी नौटंकी, यहाँ पे खड़े होकर हमने सब देख लिया। अरे नहीं नहीं मेरी बेटी यहाँ मेरे साथ खड़ी थी, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। सर कहाँ गई मेरी बच्ची? बस अब और टोपा गिरी नहीं, सब देखा है हमने। ये आपका नया कोई जाल है इनको फंसाने का ना, ये माँ बेटी का जो ड्रामा है ना इसको अभी खत्म कीजिए। अरे नहीं नहीं यहीं पर ही थी मेरे साथ दीदी, पक्का आप सबने गायब किया है मेरी बच्ची को। देखिए बस बहुत हो गया, बुलाइए अपनी बच्ची को, बुलाइए अभी बुलाइए। अरे लेकिन अगर आपने मेरी बच्ची को गायब नहीं किया, मेरी बच्ची कहाँ गई? सुमुखी हमारा ड्रामा है ये माँ बेटी का, साफ साफ दिख रहा है कि ये ड्रामा कर रही है। हमें जो चीज देखनी थी वो हम देख चुके हैं, जो सबूत हमको चाहिए था वो हमें मिल चुका है। हमारे प्लान में तो सुमुखी का गायब होना ही नहीं था, कहीं ये माँ बेटी हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है। क्या हुआ? इतना घबराई हुई काय लग रही है, क्या दिक्कत हो गया? जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमें उस बेचारी बच्ची की चिंता हो रही है, क्या पता सुमुखी सच में गायब हुई हो। फिर मुर्गे की वही टांग, सुबह से एक ही खटरा गा रही है। पुष्पा जी वो नहीं भागी है कहीं, हमारे लिए केस निपट चुका है, खत्म हो चुका है ये केस, ओवर। समझ रही हमारी बात को? हम उसकी माँ की चाल है ये, फिर से फंसाएगी वो मास्टर जी को, उसी ने गायब किया है। भगवान करे बस ऐसा ही हो। हाँ ऐसा ही होगा, आप इतना लोड मत लीजिए, आप चाय पीजिए। बदनाम पुष्पा जी के लिए चाय भेजो। आया मैडम, बदनामी स्पेशल चाय लेके। हाँ एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, महिला पुलिस थाने वालों को लगता है कि सुमुखी और उसके मॉम नाटक कर रहे हैं और अभी उनका कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। एडियट हो तुम, और तुम्हारे वो महिला थाने वाले, कितना आसान है ना तुम लोगों को बेवकूफ बनाना। अब कौन विश्वास करेगा तुम पे और तुम्हारी माँ पे, कौन मानेगा कि तुम्हारा किडनैप हुआ है और वो भी मैंने किया है। हमें भी मिलवा दो उससे, बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपको एड्रेस ही दे देती हूँ ना,
निशा को ये पता चल गया था कि करिश्मा सिंह तुम्हें और तुम्हारी माँ को लाली माँ के पास भेज रहे, और ये बात निशा ने मुझे बताई। हेलो राहुल, इनका प्लान सुनो। आज रात तुम अपने टीचर के कोचिंग क्लासेस जाओगी, उनसे माफी मांगने का नाटक करोगी। जैसे ही तुम दोनों अकेले होंगे, वहाँ की लाइट फिर से चली जाएगी। आपने सही कहा था मैम, उसने फिर से हमें एक दूसरी जगह लाइट ऑफ करने को कहा है। और फिर मैं भेष बदल कर वहाँ पहुँच गया ताकि मौका मिलते ही मैं तुम्हारा किडनैप कर लूं। Yes, it's me, Yora. उस मास्टर को तो तुम्हारे थाने वालों ने बचा लिया, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैडम, मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए, उसका कुछ पता चला, उसकी कुछ खबर आई, मैडम प्लीज उसे ढूंढिए। देखिए क्या कर रहा है जीती, करिश्मा मैडम ने कहा है ना कि बस बहुत हो गया, इनको और एंटरटेन नहीं करना है, इनका बहुत हो गया तमाशा। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी बच्ची 25 घंटों से घर नहीं आई है, पता नहीं किस हालत में होगी वो। अरे कोई माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे झूठ बोलेगी क्या? अब समझ में आया भरोसा खोने का अंजाम क्या होता है? लेकिन मैडम, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बच्ची सच में किडनैप हुई है, आप लोग उसे ढूंढिए, मेरा विश्वास कीजिए। मैं करती हूँ आपका यकीन। मेरी ह्यूमन कैलकुलेशन कहती है कि आपके सच बोलने के चांसेस 75% है, इसलिए आपका यकीन भी करना चाहिए और आपकी रिपोर्ट भी लिखनी चाहिए। आप लिखिए मेरी रिपोर्ट, प्लीज आप लिखिए। आपकी बेटी मिल जाएगी, यहाँ सब मिल जाते हैं, अभी आप जाइए, हम आपको बाद में कॉन्टेक्ट करेंगे। क्या कर रही हैं आप मीरा मैडम? आप एक मशीन है, आप ऐसे प्रोमिसेस नहीं कर सकती, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मेरे सॉफ्टवेयर को तो आप ह्यूमंस भी समझ नहीं आते, फिर भी मैं यहीं पे हूँ ना आप सबके बीच में। संतु जी, लपेटे में हम लोग को बकलोल तो नहीं बोल रही हैं? और मैंने उन्हें कोई प्रॉमिस नहीं किया है, मैंने सिर्फ उन्हें तसल्ली दी है जो ह्यूमंस आम तौर पर एक दूसरे को देते हैं। आप इसे झूठ का ही एक रूप मान सकती हैं। झूठ बोलना भी सीख रही हूँ, बहुत जल्द वो भी बोलने लगूंगी। मैडम देखिए, कहा है कि इस बार जो हम कहना चाह रहे हैं ना आपसे, टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए, प्लीज अपना काम कीजिए। गजब यार गजब, ये हैंग कैसे होती है? शर्मा जी आप? मैडम जी हम आपके पास ही आ रहे थे। क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप। मुझे लगता है कि शालिनी जी इस बार झूठ नहीं बोल रही हैं। उन्हें वाकई में नहीं मालूम कि उनकी बेटी कहाँ और किस हालत में है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? शालिनी जी मेरे पास आई थी, वो काफी परेशान थी, बहुत रो रही थी, माफिया मांग रही थी मुझसे, उन्होंने जो मेरे साथ किया था उसके लिए काफी शर्मिंदा थी। मैंने भी दुनिया देखी मैडम, इस बार वो झूठ नहीं बोल रही हैं, सुमुखी वाकई में गायब है। हे भोलेनाथ, ठीक है अगर ऐसा बात है तो हम पता करते। पुष्पा जी आप अपने खबरियों से गुमशुदगी का पता लगाइए। कोई तो चीज है, कोई तो एंगल है जो शायद हम देख नहीं पा रहे हैं, इसे किसी और नजरिए से देखने की जरूरत है। हो सकता है कि सब के पीछे कोई और हो, तो जिस पूरी सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो, सकता है कि शायद गुनहगार कोई और ही हो। एक मिनट, आपके कहने का मतलब है कि हो सकता है इस मामले में गलती किसी और ने की और फंस कोई और गया है? हाँ, हमें ऐसा ही लगता है। अगर हमें जो लगता है वो सही है, अगर ये काम किसी और का है, तो वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि इस माँ बेटी पर अब कोई भरोसा नहीं करता, ना पुलिस ना ही दुनिया, अब कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, कोई उनकी बात मानेगा नहीं। पर हो सकता है कि ये शख्स जो कि असली गुनहगार है, इस पूरी बात का फायदा उठा रहा हो। अब तो हमको भी लग रहा है मैडम सर, आप सही कह रही है, ये जो कोई भी है ना, इसने किसी और की कढ़ाई में पकवान तला है, तो आँच और घी किसी और का और स्वाद वो इस काले चोर का। ठीक है करिश्मा सिंह, हमें लगता है कि अब इस केस के मामले में आपको सही एंगल मिल चुका है, इसी तरीके से सोचिए, हम फोन रखते हैं, हमें बहुत काम है। मैडम सर धन्यवाद हमें रास्ता दिखाने के लिए। करिश्मा सिंह, हमने आपको कोई रास्ता नहीं दिखाया है। रास्ता भी आपका, मंजिल भी आपकी, हमें बस अपना सारथी समझिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कौन हो सकता है, कौन है ये टोपा आदमी? हाँ जी पुष्पा जी, सुनिए सुनिए सुनिए,
अभी आपको ये पता लगाना है कि सुमुखी या उसके माँ के जो आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं या उसके जो रिश्तेदार हैं उसमें से किसी के साथ कोई झगड़ा कोई मन मुटाव तो नहीं है. आपको इस बारे में पता लगाना है अभी तुरंत. ठीक है, हम आपको बाद में फोन करते हैं. सुमुखी के दोस्तों से तो हम पता लगाते हैं. राहुल को फोन करते हैं क्योंकि राहुल जो है वो सुमुखी के सारे दोस्तों को जानता है. एक बात नोटिस की आप लोगों ने? किया ना संतोष जी, किए हम. आपका चेहरा का जो चमक है, जलाल है, आज कुछ ज्यादा ही है. और पिछला कुछ दिन से बहुत ही ज्यादा चमक रहा है आपका चेहरा. क्या लगा रही हैं आप? चीते, तुझे पता है सुनने वाले के कान पक गए तेरी घिसी पिटी लाइन सुन सुन कर. चीते, कुछ अगर नया बोलना चाहता है ना तो बोल, बिंदास बोल. लेकिन अगर यही रिपीट कर रहा है ना तो चुप रहे, वो ज्यादा बेटर है. नया सुनना है आपको, सुनाएंगे हम, इंतजार कीजिए. हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि कल रात को शर्मा जी के केबिन में जब लाइट गई थी तब ये लड़की थी वहाँ सुमुखी की मम्मी के साथ. और यही है वो लड़की जब 31 की रात को पार्टी हुई थी इसी ने लाइट बंद की थी. तो हो ना हो निशा का इस केस में जरूर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है. कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता. एक, अगर सुमुखी की किडनैपिंग हुई है जो कि मेरे हिसाब से हुई है तो फिर किडनैपर्स ने ये प्लान पहले से बनाया होगा. और अगर उन्होंने ये प्लान पहले से बनाया होगा इसका मतलब उन्हें हमारा स्केड्यूल पता था. उन्हें ये पता था कि हम उस समय वहाँ उस कैबिन में मौजूद होंगे, इसलिए वो भी वहीं थे, छुपे हुए थे. लेकिन कैसे, उन्हें ये कैसे पता था कि हम वहाँ पे मौजूद होंगे? क्या हम में से कोई उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है? ये कौन गणित भिड़ा कर आप ऐसे बोल रही हैं मैडम? ओके, इस वीडियो में एक और बात दिखाई देती है कि ये जो लड़की इस वीडियो में दिखाई दे रही है ये सुमुखी की किडनैपिंग अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन इसमें उतना फिजिकल पावर नहीं है कि ये अकेले उसकी किडनैपिंग करे. इसके साथ जरूर एक और पार्टनर होगा जिसने सुमुखी को बेहोश किया और फिर उसे किडनैप किया. और एक और बात नोट करने वाली है, ये जो कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज है, जब सुमुखी की किडनैपिंग होती है तभी उसी समय लाली माँ ने जिन औरतों को भेजा था उनमें से भी एक औरत गायब थी. ध्यान से लाइट जाने से पहले और लाइट जाने के बाद की फुटेज देखो. करिश्मा सिंह को शर्मा सर की बात पर यकीन हो गया है कि सुमुखी का किडनैप हुआ है, इसलिए हमें सारे सबूत मिटाने होंगे जो करिश्मा सिंह को हम तक पहुंचा सकते हैं. तो सुमुखी का करना क्या है? ये तो बहुत जल्द वायरल होने वाली है. दुनिया भर में बस इसी के फैंस होंगे, हर कोई बस इसी का दीवाना होगा. मुझे ब्लैकमेल करने चली थी, अब देख मैं तुझे कैसे ब्लैकमेल करती हूँ. बहुत शौक है ना तुझे दोस्ती में धोखा देने का? हम दोनों मिलकर तेरी लाइफ स्पॉइल कर देंगे. प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज आई एम वेरी सॉरी, प्लीज. अगर करिश्मा सिंह को तुम पर जरा सा भी शक हुआ ना तो ट्रस्ट मी वो तुमको कहीं से भी ढूंढ निकालेगी. उसके बाद क्या होगा तुम दोनों को अच्छे से पता है. छोड़ेगी नहीं तुमको, वो सारा शहर करिश्मा सिंह का भौकाल जानता है. करिश्मा सिंह को कभी मुझ पर शक हो ही नहीं सकता, वो तो कब का मुझे क्लीन चिट दे चुकी है. इसका मुंह बंद कर. हेलो राहुल. हाँ वो हमें ना तुमसे मिलना था. महिला थाना के सामने बदाम चाय वाला है ना, वहाँ आ जाइए. क्या सुमुखी गायब हो गई? नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता. हम तुम्हें कुछ फ्री में दे अभी. तुम क्या कह रहे थे? आई एम श्योर ये उसका कोई नया प्लान है. सुमुखी गायब होने वाली चीज है ही नहीं. यही तो हमको लगा, फिर भी हमने तुमको बुलाया कि भाई एक बार जो है. भैया तुम जो हो ना, तुम सुमुखी के बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम उसको प्रपोज करने वाले थे तो उसके बारे में काफी कुछ जानते भी होगे, है ना. अगर सुमुखी कभी ऐसा सोचे कि भाई मतलब कहीं एक दो दिन के लिए शांत एकांत जगह चली जाए तो कहाँ गायब हो सकती हो? कुछ आइडिया है तुमको? हो सकता है वो रिचा के यहाँ आ गई हो. रिचा उसकी बैचमेट. नहीं नहीं नहीं, साक्षी के यहाँ. पर नहीं, साक्षी के यहाँ तो सब होते हैं. मैडम
हाँ एक मिनट सर, एक मिनट आए जी। पुष्पा जी, शर्मा जी के केबिन में वो एक औरत जो लाइट आने से पहले नजर आ रही थी और लाइट आने के बाद वहां से गायब हो गई थी, उस औरत का पता चल गया। क्या बात करी है? हमने उसका फोन नंबर ढूंढ निकाला, उसके साथ बात की, तो पता है उसने क्या बताया? क्या बताया? उसने बताया कि हमने लाली माँ के दरबार में उसके भक्त बनने के लिए जिन औरतों को बुलाया था वो उसमें से एक थी, मगर एक लड़के ने उसको बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो लड़का खुद साड़ी पहनकर उसकी जगह पे खड़ा हो जाए। मतलब ये कि सुमुखी का अपहरण हुआ है और उस लड़के ने किया है जो वहां पहले से मौजूद था साड़ी पहनकर। कौन है ये? पता चल गया हमें अपहरणकर्ता के बारे में पता चल गया। आप एक काम कीजिए, आप शर्मा जी को जल्दी बुलाइए और सुमुखी के जो बाकी दोस्त हैं उनके बारे में तफ्तीश कीजिए। पुष्पा जी। हाँ जी। चलो चलो जल्दी निकलो, करिश्मा सिंह आती होगी। इंजेक्शन दे दिया ना? हाँ, अभी एक घंटों तक होश में नहीं आएगी। हमने आप दोनों को इसलिए बुलाया है कि सुमुखी तक पहुंचने की लीड मिल गई। अच्छा सर, आपने कहा था कि सुमुखी और उसके दोस्त कॉलेज बंक करके अक्सर कहीं मौज मस्ती करने जाया करते थे और आपने उन सबको एक दिन पकड़ा भी था। जी हाँ, पकड़ा था। आपको वो जगह याद है कहाँ पकड़ा था और उसके साथ कौन कौन थे? जी हाँ जानता हूँ, मैंने उन सारे बच्चों को राहुल के डैडी के फार्म हाउस पे जो कि बल्लीपुर में है पकड़ा था। राहुल? और बाद में पता चला कि वो सारे लड़के कॉलेज बंक करके वहीं टाइम पास करने जाया करते थे। अच्छा, करिश्मा जी, हमको लगता है आपको राहुल ना बल्लीपुर रोड पर उसके पापा का फार्म हाउस है वहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि शर्मा सर बता रहे थे राहुल, निशा, उनके सारे दोस्त वहीं पे जाते थे कॉलेज बंक करके मटर कस्ती करने के लिए। जी मैडम, मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। आप इत्मीनान रखिए, वो मिल जाएगी, मिल जाएगी। कि मैया की सासू मैया, तुम हमारे हाथ से नहीं बच के जाओगे, तुम्हारी तो आओ अम्मा। चीते चीते, मीरा और संतू को बोलो कि शहर से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता, उसको तुरंत ब्लॉक करें। हाँ, और कुछ भी गड़बड़ नजर आए किसी भी गाड़ी में सबको रोक दे और सबकी तलाश ली। हाँ, हम भी वहीं पहुंच रहे। ये कबूतर हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, समझ रहे हमारी बात को? हाँ चलो जय। चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए। रुको, शर्मिंदगी का बात है एक औरत होने के नाते, कभी सोचा है आपने? आप जैसी ना समझ औरतें जो इतना आसानी से किसी भी मर्द पर इल्जाम लगा देती हैं और फिर उतना ही आसानी से बोल देते कि हाँ हमसे गलती हो गया, उस गलती की वजह से आपको पता है सामने वाले पे क्या बीतती है, कभी सोचा है इसके बारे में? उसकी इज्जत का कचरा हो जाता है, उसके घर वालों के सामने ना उनकी नजरों में गिर जाता है वो आदमी, और फिर उसके घर वाले अलग बाकी सबके नजरों में गिरते हैं, वो बात अलग। हमारे देश में औरत को देवी माना जाता है और जहां तक हो सकता है उसे वो मान वो सम्मान मिलता भी है। कोई भी औरत बीच सड़क पर खड़ी होकर किसी मर्द की तरफ उंगली उठाकर बस एक बार भी कह देना कि इस मर्द ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, हजारों हाथ खड़े हो जाते उसे सबक सिखाने के लिए।
हमारे संविधान में औरतों के लिए विशेष अधिकार रखे गए हैं। कई अलग और सख्त कानून हैं, इतने सख्त कि कोई आम आदमी नाम लेने से भी कांपेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि सुमुखी जैसे नासमझ लड़कियां और कुछ औरतें हैं जो औरत होने का गलत फायदा उठाती है, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती है। और इससे क्या होता है, वो औरत जिसके साथ सच में कुछ गलत हुआ हो, वो औरत जिसको सच में हमारी मदद की जरूरत हो, वो जगह जहां पर औरत नहीं मर्द गलत हो, वहां पर भी हम औरत लोग को ना सख्त की निगाह से देखते हैं। पता नहीं कहीं ये अपना विमेन कार्ड खेल रही है, इस मर्द को फंसाने के चक्कर में अपने कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रही है, समझ रही हैं आप? वही है ना, वही भेड़िया आया वो कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पर जब भेड़िया सच में आता है तब मदद के लिए कोई नहीं आता है, और वही हम खुद के लिए कर रहे हैं। खुद का भरोसा खुद ही खो रहे हैं, खुद के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अम्मा देखिए, औरत हो या मर्द हो, दोनों का इज्जत, दोनों का सम्मान बराबर का होना चाहिए। घुसा भेजे में कुछ आपके? हाँ मैडम जी, हमें सच में माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा है, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा सर, आप भी हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है सर। सो सॉरी मैम, आगे से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैडम आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से सैल्यूट। हेलो मैडम, हमें बचा लीजिए मैडम, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं मैडम। कौन? वो सब बताने का टाइम नहीं है मैडम, प्लीज हमें बचा लीजिए आप। कहाँ मैडम सर, आप भी, आपको भी हम ही मिले हैं खींचने के लिए। हाँ तो आपने हमें पहचान ही लिया करिश्मा सिंह। मैडम सर पहचान लिया मतलब, अब हमसे क्या छुपाएंगे आप? आप सात आसमान दूर छुप जाएंगे ना, वहां से भी आपको खोज कर ले आएंगे। पर एक रिक्वेस्ट है मैडम सर आपसे, आप ना ऐसा मजाक हमारे साथ मत कीजिएगा। क्या हम थोड़ा सेंसिटिव है आपको लेके, आप हमें मदद के लिए पुकारती हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है। अच्छा बाबा सॉरी, आज के बाद ऐसा मजाक हम कभी नहीं करेंगे। वैसे मैडम सर आप कब वापस आ रही हैं? बहुत जल्द, हमारा काम यहाँ बस खत्म ही होने वाला है। क्या बात, क्या हुआ करिश्मा सिंह? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कांच का ग्लास पड़ा था पानी का, वो हमारे हाथ से ऐसे गिर गया, वो टूट गया। हो वैसे जानती है, अभी पुष्पा जी यहाँ होती तो क्या होता, बवंडर मच जाता, बोलती हे भगवान इतना बड़ा शुभ हो गया, कोई विपदा आने वाली है, ऐसा करके बोलती। हाँ वो तो है। हेलो मैडम सर। हाँ करिश्मा सिंह, हेलो 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 करिश्मा सिंह, हेलो नेटवर्क। क्या हो गया आपको? पता नहीं आजकल कुछ भी थोड़ा सा होता है तो ऐसा अजीब सा हमें बेचैनी होने लगता है। मैडम सर प्लीज जल्दी वापस आ जाइए, आपके बिना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है हमको।